हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिकल डोडोज़ यूट्यूब चैनल, और जहां पर आपको हमेशा की तरह मज़ेदार इंटरेस्टिंग डिटेक्टिव रिडल्स मिलती हैं और टेक्स्ट रिडल्स भी मिलती हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा सी फॉर्मेलिटी कर लूं सबकी तरह। तो फॉर्मेलिटी कुछ ये है कि यार देखो, तुम लोग कर नहीं रहे हो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी, इससे मेरे को बड़ा तेज से गुस्सा आ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब, चैनल पर जाकर हमारे पुराने वीडियोज़ को देखो, और इस तरीके से रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा और फिर उसको क्लिक करके बगल में वहाँ पर बेल आइकन आएगा, उसको हमेशा ऐसा रखना, ठीक है। तो जल्दी से बैठे क्या हो, जल्दी चैनल पर जाओ और सब्सक्राइब करो, है ना। और दूसरी चीज़, मेरे ख्याल से तुम लोग को नहीं पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने से होता क्या। आई थिंक मुझे पता है कि तुम सबको पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नहीं पता। तो जिनको नहीं पता उनके लिए ये चीज़, प्लीज़ डोंट माइंड कि हमें पता है लेकिन तभी भी तुम बता रही हो। तो इसके लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि तुम हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे, वीडियो का अपडेट तुम्हारे पास तुरंत आ जाएगा बेल आइकन को प्रेस करने से। मतलब तुम्हें हर वेंसडे सैटरडे 4 PM जाकर चेक नहीं करना पड़ेगा कि लॉजिकल डोडो ने वीडियो अपलोड किया है या नहीं किया। नहीं, तुम्हारे पास जैसे तुम फ़ोन का डेटा ऑन करोगे ना, तुम्हारे पास तुरंत अपडेट आ जाएगा कि हमारी तरफ से वीडियो आया है। दूसरी चीज़, जो हमारा ड्रीम है, जिस पर्पज़ से हमने चैनल को क्रिएट किया है ना, कि हम लोगों से कनेक्टेड रहें, अपनी रिडल्स उन तक शेयर करें, क्योंकि रिडल्स मेरे पास पता है बहुत सारी ऐसी रिडल्स हैं माइंड में जो कि मैंने आज तक तुमसे पूछी भी नहीं है। तो मैं उन्हें तुम्हारे साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, है ना। और जो थर्ड थिंग है कि तुम लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तो इससे मोटिवेशन बूस्ट नहीं होगा मेरा, मैं वीडियोस बना नहीं पाऊँगी। मतलब फैमिली की तरफ से सपोर्ट है लेकिन तुम्हारी तरफ से नहीं है तो कैसे काम चलेगा, राइट। और दूसरी चीज, लास्ट थिंग, कि सबसे बड़ी चीज़, इट्स फ्री। मतलब तुमको न किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पेड नहीं है ये चीज़, तुमको केवल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और सब्सक्राइब हो जाएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, टैग करो अपने फ्रेंड्स के साथ, तभी तो चैनल इंक्रीज होगा, यही तो अपना ड्रीम है, ओके। और हमारी बड़ी फैमिली बन पाएगी। सो अब मैंने बहुत फॉर्मेलिटी कर ली, तो चलो चलते हैं अपने रिडल की तरफ। तो देखो, पहली रिडल है अपनी, एक म्यूजियम का सीन है जहां पर ना ओनर को कुछ दिनों से लग रहा था कि चोरी हो रही है यहां पर, है ना। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि एक स्टैचू था वहां पर, आयरन के काफी सारे स्टैचू रखे होते हैं, राइट, तुमने मूवीज या फिर सीरियल्स में देखा होगा। तो वो स्टैचू वहाँ पर टूटा हुआ था। अब वहाँ के स्टाफ से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये स्टैचू हमने 3 लोग ऐसे देखे थे जिनके पास कुछ ऐसी हार्ड मटेरियल था जिससे स्टैचू टूट सकता है, एक गिटार था, कैमरा था और क्रिकेट बैट था। और जब और इन्वेस्टिगेट किया गया पुलिस और डिटेक्टिव के थ्रू, तो पता चला कि जो स्टैचू है उस पर अटैक एक क्रिकेट बैट से हुआ है। तो इसके बाद उन 3 persons को लाया गया जिनके पास गिटार, कैमरा और क्रिकेट बैट था। और उसके बाद ये वही 3 persons है, पर्सन नंबर 1, 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। तो ये वही 3 persons हैं जिनके पास ये चीज़ें थीं। तो क्या तुम बता सकते हो देखकर कि आखिर कौन सा पर्सन है जिसके पास क्रिकेट बैट है, यानी हु इज़ द क्रिकेटर। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कुछ नॉलेज दे दूँ कि ये जो पर्सन नंबर 1 है ना, इसको कैमरा यूज़ करना बिल्कुल नहीं आता, और ये जो पर्सन नंबर 2 है ये क्रिकेट बैट यूज़ नहीं करता, यानी इसको क्रिकेट खेलना नहीं आता, और ये जो लास्ट पर्सन है पर्सन नंबर 3, ये इसको गिटार प्ले करना नहीं आता है। और एक और बात मैं बता दूँ कि जो गिटारिस्ट है ना, वो पर्सन नंबर 2 नहीं है, यानी पर्सन नंबर 2 को गिटार प्ले करना भी नहीं आता है। मैंने तुमको इन सब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, अब तुम इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनकर आई होप कि बता पाओ कि किसने आखिर स्टैचू तोड़ा है, हु ब्रोक द स्टैचू। ध्यान से इन तीनों को देखो, मेरी इन्फॉर्मेशन को बार बार अपने माइंड में रिपीट करो, एंड आई होप कि तुम आंसर दे पाओ। तो फटाफट से गो टू द कॉमेंट सेक्शन और आंसर दो मुझे, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और आपको मैं 10 seconds का टाइम देती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं अपना टाइमर। सो आई होप कि तुमने आंसर दे दिया है, और अगर नहीं दिया है तो मैं बता देती हूँ। तो जिसने भी स्टैचू तोड़ा है वो है ये लास्ट वाला पर्सन। कैसे, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुमने मेरी बात को ध्यान से सुना हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट वाला पर्सन था उसके लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी, सेकेंड वाले के लिए क्या कंडीशन बताई थी, थर्ड वाले के लिए क्या बताई थी। मैं तीनों कंडीशन को एक बार वापस से रिपीट करती हूँ।
तो मैंने तुमसे कहा था कि जो फर्स्ट वाला पर्सन है वो कैमरामैन नहीं है, ठीक है, और जो सेकंड वाला पर्सन है उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता, ठीक है, और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि जो गिटारिस्ट है वो सेकंड नहीं है, यानी सेकंड वाले का गिटार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो उसको क्रिकेट खेलना तो आता ही नहीं है, गिटारिस्ट वो है नहीं, तो कौन हुआ कैमरामैन, यानी कैमरामैन सेकंड वाला पर्सन, इसे हटा दो। अब फर्स्ट वाले पर्सन की बात की जाए तो कैमरामैन है नहीं, क्योंकि कैमरा तो उसके पास चला गया, तो या तो वो गिटारिस्ट है या वो क्रिकेटर है, अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि थर्ड वाले पर्सन को तो गिटार बजाना आता ही नहीं है, तो फर्स्ट वाला हुआ गिटारिस्ट और थर्ड वाला हुआ क्रिकेटमैन, तो इसका मतलब कि जो क्रिकेटर है उसने क्रिकेट से स्टैचू टूटा था, और क्रिकेटर कौन है, थर्ड वाला पर्सन, यानी क्राइम किसने किया है, इस थर्ड वाले पर्सन, तो इसको सज़ा दिलाई जाए। सज़ा दिलाने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखो इसे सज़ा दो सज़ा दो सज़ा दो। तो चलो अपने नेक्स्ट रिडल की तरफ चलते हैं। ये रही अपनी नेक्स्ट टेक्स्ट रिडल जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो तुम इसे अच्छे से पढ़ो, मैं भी बोलती हूँ। तो रिडल है, खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर ईर्ष्या नहीं, यानी यहाँ ईर्ष्या मतलब जलन, यानी किसी से आपको जेलसी फील होती है ना वो, तो खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर ईर्ष्या नहीं, ऐसी कौन सी चीज़ जिसमें खुशबू है लेकिन वो फूल नहीं है, और जो जलती है लेकिन उसमें जलन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, तो इसका आंसर आई होप कि तुम्हें पता हो, तो जल्दी से अगर तुम्हें पहले से पता है तो आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर दे दो, वरना योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो ये टाइम इज़ अप एंड आई होप कि तुम्हें आंसर मिल गया है, और अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता ही रहता है, हार जीत तो चलती है गेम में, ठीक है। तो आंसर है धूप बत्ती, यानी कि वो जलती है, धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, तो यानी वो जलती है और खुशबू भी देती है, हालांकि वो फूल नहीं है और जलती भी है जबकि उसमें जलन नहीं है किसी भी तरह की। तो आई होप कि तुम्हें आंसर अच्छा लगा, और अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कोई और आंसर है जो कि तुम्हें लगता है कि वो आंसर इसके लिए आइडल है, तो तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और कमेंट में ज़रूर कमेंट करना कि अगर तुम्हें वीडियोज़ कैसे लगते हैं जिससे कि मुझे पता चल सके। तो चलो अपनी नेक्स्ट रिडल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रिडल भी एक टेक्स्ट रिडल है जो कि है, ना भोजन खाता ना वेतन लेता फिर भी पहरा डट कर देता। यू कैन रीड इट वंस अगैन, एक बार और पढ़ सकते हो, और इसका आंसर अगर तुम्हें पहले से पता है तो अगेन तुम कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो, और अगर नहीं पता तो टाइमर स्टार्ट होने में थोड़ा सा वक्त है, तो तुम टाइमर स्टार्ट होने से पहले आंसर सोच लो, और टाइमर के दौरान भी आंसर सोच कर मुझे आंसर बता देना। अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल रही क्योंकि तुम्हें फिर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Think about it. So I think your time is up. एंड मुझे लगता है कि तुमने आंसर दे दिया, और नहीं दिया है तो डोंट वरी, आंसर है ताला, यानी कि लॉक जो हम गेट वगैरह में यूज़ करते हैं, यानी ना तो वो खाना खाता है ना तुमसे सैलरी लेता है, और वो तुम्हारे घर में पहरा देता है, यानी कि तुम्हारे घर की रक्षा करता है, अगर तुम लॉक कर दो तो कोई तुम्हारे घर में नहीं आ सकता। तो ये आंसर था, मुझे ये आंसर लगा, मुझे यही आंसर सही लगा, तो इसलिए मैंने लगा दिया है। अगर तुम्हें कोई और ऐसा आंसर लगता है जो कि इस क्वेश्चन के लिए एकदम फिट बैठेगा तो उस आंसर को भी कॉमेंट करना। चलो अपनी नेक्स्ट रिडल की तरफ चलते हैं। तो देखो ये अपनी रिडल एक कंडीशन बेस्ड रिडल है जो कि आई होप कि तुम्हें अच्छी लगेगी। तो ये एक जू का सीन है जहाँ पर कुछ दिनों से चोरी होने का लगता है कि चोरी हो रही है, तो इसलिए ना वहाँ पे डिटेक्टिव चाचू को बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेट के लिए। तो डिटेक्टिव चाचू उस लेडी से बात करते हैं जिसके साथ में अभी चोरी हुई थी रिसेंटली, तो वो बताती है कि मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरे पास एक बैग था जो कि चोरी हो गया, यानी एक स्टाफ का ही पर्सन आया था और उसने स्टाफ के कपड़े पहने हुए थे और वो एकदम से मेरा बैग लेकर भाग गया, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि उसने मुझे धक्का दिया था, तो मैं गिर गई थी इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। फिर डिटेक्टिव चाचू जू में जाते हैं, मतलब जू के ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पे सारे स्टाफ पर्सन होते हैं, तो वो वहाँ पे जब इस सीन को देखते हैं तो उन्हें आराम से पता चल जाता है कि आखिर थीफ कौन है, तो वो बी वाले पर्सन को पकड़ लेते हैं। तो जो बी वाला पर्सन है उसको ही वो क्यों पकड़ते, बाकी ए और सी को वो क्यों नहीं पकड़ते, इसका आंसर आप बताओगे कॉमेंट सेक्शन में, ये भी बताओगे कि आखिर थीफ आपके हिसाब से कौन है। तो मैंने अपने सारी बात पूरी कर दी है, अब आप आराम से सोच सकते हो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Tell me in the comment section who is the thief. सो ये टाइम इज़ अप एंड आई होप कि तुम्हें आंसर मिल चुका है, अगर नहीं मिला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मिल गया है तो वेल डन, डू हिट द लाइक बटन, अगर नहीं किया है तो। तो देखो मैं बताती हूँ बी वाले पर्सन को ही क्यों पकड़ा, यानी बी वाला पर्सन ही थीफ है, पहली चीज़ तो ये,
क्योंकि डिटेक्टिव चार्ज से कभी गलती नहीं हो सकती। और बी को इसलिए पकड़ा क्योंकि वो डियर को क्या खिला रहा है, वो डियर को नॉनवेज फूड खिला रहा है, जबकि आप सबको पता है कि डियर एक वेजिटेरियन एनिमल है और डियर को नॉनवेज फूड खिलाना गलत है। यानी कि वो स्टाफ पर्सन के उसने कपड़े पहने हुए हैं बट वो बाहर का पर्सन है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और उसने जल्दी जल्दी हड़बड़ी में नॉनवेज पकड़ के डियर के पास चला गया क्योंकि उसे पता था कि डिटेक्टिव चाचू वहाँ आए हुए हैं। तो आई होप कि तुम्हें पहली अच्छी लगी हो तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पास में जो बेल आइकन आएगा उसको क्लिक कर देना और हमेशा इस तरीके से रखना। और इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर तुमने लाइक बटन हिट नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से हिट कर दो, इट रियली बूस्ट माई मोटिवेशन। और चलो अपने नेक्स्ट रिडल की तरफ चलते हैं जो कि एक टेक्स्ट रिडल है। सो ये है हमारी रिडल, लाल संतरी रंग है मेरा, आती हूँ मैं खाने के काम, सिर पर रहती हरियल चोटी, जल्दी बताओ मेरा नाम। वेरी सिंपल, बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत टेस्टी लगती है एंड आई होप कि तुम्हें भी लगती हो। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कॉमेंट करके बताओ और ये टाइम स्टार्ट नाउ। सो ये टाइम इज़ अप एंड आई होप कि तुम्हें इसका आंसर मिल गया जो कि है गाजर यानी कि कैरेट, यानी कि लाल संतरी रंग है मेरा। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, थैंक्स अ लॉट, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे ट्यून।